वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे हैंग ब्लॉग पे। आज का हम टॉपिक कवर करेंगे बैक वर्कआउट। बैक वर्कआउट उन लोगों के लिए जिनकी बैक ब्रॉड बिल्कुल नहीं होती है, जो कि कहते हैं सर बैक तो हमारी शेप में आ रही है मगर ब्रॉड नहीं हो रही है। तो आज मैं बताऊंगा दोनों फॉर्मूलास कि आप अपने बैक को ब्रॉड भी कैसे करो और अपनी अपनी जो बैक है वो शेप में कैसे लाओ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, उस पर शेयर करें प्लीज़। इससे क्या होगा, मोटिवेशन भी मिलती है, साथ में जो है न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आज का वर्कआउट भी सीक्वेंस वाइज होगा, वो बैक मसल का। बैक की ब्रॉडनेस को लेके आजकल के बच्चों में, आजकल की यूथ में बहुत ज़्यादा 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 प्रॉब्लम होती है कि उनकी बैक जो है ब्रॉड बिल्कुल नहीं हो पाती है। हालांकि शेप उनके अंदर क्या आ रही है, उनकी टेस्ट मेजर टेस्ट माइनर मसल जो है वो वर्क कर रही है अच्छे से, तो ट्रैप्स की शेप भी अच्छे से आ रही है उनकी, मगर उनका जो बैक का ब्रॉडनेस है वो बिल्कुल ही नील हो रहा है। नील का मतलब कर तो बेचारे मेहनत पूरी रहे, मर की दिशा में करनी है उनको वो बिल्कुल नहीं पता। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उनको जरूर जरूर देखा करो। सो आज का मैं वर्कआउट लाया हूँ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कि मसल टू मसल कैसे ट्रेन करें ताकि आपकी बैक ब्रॉड हो और आपकी बॉडी शेप में अच्छी लगे बैक वाइज। तो मैं उन लोगों के साथ तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ ये चीज़, और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। उनको तो रिजल्ट अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ताकि मैं अब चाहूँगा कि आप लोगों को रिजल्ट अच्छे अच्छे मिले। तो प्लीज़ मेरे वर्कआउट को सीक्वेंस वाइज फॉलो करना। बैक वर्कआउट को आप कितने हफ्ते करोगे, वही 8 से 12 हफ्ते, वार्म जरूर करना और खा के जरूर कुछ ना कुछ आना आधे से घंटे पहले, चाहे 2 केले खाई हो। अगर आप फैट लॉस पर चल रहे हो तो 1 एप्पल खाई हो। अगर आप मसल गेन पर चल रहे हो नेचुरली तो 2 से 3 केले आप आराम से खा के आ सकते हो। मगर याद रखना यही नहीं कि जिम में आके, मैं देख रहा हूँ बच्चे जिम में आके जो है केले खाते हैं, कॉफ़ी मिलाई और फिनिश वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे बिल्कुल मत करो यार दोस्तों। कुछ चीज़ें सीक्वेंस वाइज ही बनी है, ठीक है, तो उसको उसकी रिदम को बिगाड़ो मत। आपको क्या करना है, आधे घंटे पहले केले खा के आने हैं अगर आप मसल गेन कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो, आप फैट लॉस पे कर रहे हो, सिंपल सी बात है, आपको खाली एप्पल खा के आने, ठीक। और जिम में आके आप कॉफ़ी पी लो, वैसे सही बताऊँ तो कॉफ़ी पीनी नहीं चाहिए, कॉफ़ी पीने के काफ़ी मात्रा में साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखो वो तो बीपी हाई भी करती है, ठीक है, उसका ग्राफ ना ऐसे होता है, स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन। तो कॉफ़ी से अच्छा है कोई प्री वर्कआउट ले लो जो आपके बजट में आता हो ठीक ठाक। प्री वर्कआउट ग्राफ ऐसे होता है, ये जाता है, और कॉफ़ी का प्री वर्कआउट ऐसे जाता है। अब प्री वर्कआउट नहीं पिए तो अच्छी बात है, कॉफ़ी नहीं पिए तो बहुत अच्छी बात है, फोकस करो नेचुरली, ठीक है। ये अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर आप प्री वर्कआउट में स्विच कर सकते हो कोई। अच्छा, बैक के वार्म अप में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो कि सर बैक का वार्म अप कर रहे हैं उसमें क्या क्या, बच्चे पूछते हैं सर बैक है आज हमारी वार्म अप में क्या लें। लोग पुशअप देते हैं, पुशअप बिल्कुल मत लो, बैक के उसमें पुशअप्स नहीं होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल पुशअप्स होते हैं बेसिक वाले बिल्कुल नहीं होते हैं, जो चेस्ट के लिए करते हो आप लोग। और कुछ लोग मैंने देखा है बाइसेप्स करते हैं, ये सब करते हैं, ये सब मत करो। पुशअप के लिए सबसे बढ़िया है बैक वार्म अप के लिए जब भी आप आएँ हिंदू पुशअप्स दिस वन, ठीक, स्किपिंग जो मैं बोलता आया हूँ, बर्पीज बहुत अच्छी हैं, चिनअप्स बहुत अच्छे हैं, जो आप ये सब कर लो ना 10 मिनट आप कर लो ये, तो 1 से 2 सेट वार्म अप के आप लेट पुल डाउन को जरूर निकालना, लेट पुल डाउन या फिर वन ऑफ वन आर्म रोइंग या फिर केबल पुलओवर, ठीक है। लाइट वेट से 2 या 3 प्लेट डाल के आप 20-25 रैप निकालना, उससे अच्छी वार्म जो आपकी बैक है वो काफ़ी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी, ठीक है, तो याद रखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बैक का वर्कआउट, और आशा करता हूँ आपसे होप है कि आप जो ये सीक्वेंस वाइज है ऐसे ही फॉलो करो, इधर उधर भटको मत, भटकने दोस्त कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, ठीक है, हमेशा एक चीज़ को फॉलो करो, फॉलो करो रिजल्ट आपका 100% ज़रूर मिलेगा। और जो मैं आपको ये वर्कआउट बता रहा हूँ ना गारंटी रिजल्ट मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट बैक का, बैक ब्रॉडनेस। सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन में देखिए आप वाइड ग्रिप पकड़ोगे, तो वाइड ग्रिप पकड़ने के बाद याद रखना ज़्यादा पीछे मत जाना, एकदम स्ट्रेट रहना, हल्की सुमेंट होनी चाहिए बैक में, ज़्यादा पीछे जाते हैं लोग बाग वो बिल्कुल मत करना। स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट अप, फुली कॉन्ट्रेक्शन फील करते हुए। अब हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है आपका बैंड ओवर बाबल रोइंग, और आपकी ग्रिप होनी चाहिए प्रोनेट, ठीक है, ये होती सुपीनेट, ये होती प्रोनेट ग्रिप। तो आपकी ग्रिप हमेशा ये होनी चाहिए होल्ड पे, और कितनी कितनी दूरी पर होनी चाहिए, शोल्डर्स के हल्का सा वाइड, आधा इंच एक इंच छोड़ दो, और ऐसे प्रोनेट ग्रिप होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एंगल दिखाता हूँ, एंगल कैसे होना चाहिए इसका, पैर जो है आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग खुलने चाहिए, ठीक है, जितना आपके शोल्डर्स हैं। शीशा जिम में इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपना पोस्चर ढंग से देख सकें, ना कि सेल्फ ले सकें, ठीक है। प्रोनेट ग्रिप मैं ये ग्रिप यूज नहीं कर रहा, मैं ये ग्रिप यूज कर रहा हूं, ठीक है।
एंकल स्ट्रेट, चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इससे क्या होगा, आपकी लैट जो है ब्रॉड होके शेप में आएगी, ठीक है। हमने कहते हैं स्टार्टिंग में लेट पुल डाउन, लेट पुल डाउन से क्या होता है, आपकी लैट में डॉर्सल अच्छे से ट्रेन होती है और उसकी जो है थिकनेस बढ़ के आती है। सेकंड हमने सेम उस चीज़ के लिए करी बैक की थिकनेस के लिए लैट में डॉर्सल की, तो बैंड हो बाबल रिंग। दोबारा बता रहा हूँ, ग्रिप पूर्ण रहेगी आपकी, शोल्डर से हल्का सा भार आप वाइट पर रोड पकड़ोगे, ना कि क्लोज ना कि वाइट, ठीक है। रैप कितने, वही 15-12-10, 3 सेट। वेट स्वादानुसार कोशिश करना इंक्रीज करने की, अगर आप बिगनर्स हो तो आप इंक्रीज ज़्यादा मत करना, अगर इंटरमीडिएट हो तो आपको अच्छे से पता है आपको धीरे धीरे वेट इंक्रीज करना है हर सेट में, ठीक है। सो हमारी लेट पुल डाउन के बाद है हमारी क्लोज ग्रिप। क्लोज ग्रिप में आप टी बार का भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ये वाली बार भी है क्लोज में, तो मैं इसका यूज़ करूँगा, ठीक है। मगर आप अपने जो जिम है उसके अंदर टी बार उसका यूज़ कर सकते हो, अगर ये है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। इसमें ज़्यादा पीछे मत आना, लोग बहुत पीछे आते हैं, बिल्कुल पीछे बिल्कुल मत आओ, स्ट्रेट ही रहो, ठीक है। बैक पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपको कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा वन आर्म डंबल रोइंग। बहुत से लोगों को क्या दिक्कत आती है, बहुत से लोगों को दिक्कत ये आती है जब भी वो बैक का उसमें करते हैं वर्कआउट इंक्लूड करते हैं वन आर्म डंबल रोइंग, उनकी लोअर बैक पे आता है। लोअर बैक इसलिए आता है क्योंकि वो या तो बैक उनकी कर्व होती है, ठीक है, वरना उनका सारा फोकस जो होता है लोअर बैक पे होता है। तो आपको अच्छे से परफॉर्म कैसे करना है मैं बताता हूँ। एक पैर यहाँ पर आपका, ठीक है, एक पैर खोल के। बहुत से लोग यूँ खोल लेते हैं, बहुत से लोग पीछे कर लेते हैं, देखो कम्फर्ट जोन वाली बात है, आपको जहाँ कम्फर्ट लगे, मगर मेरे को परफेक्ट यहाँ लगता है सामने एकदम, ठीक है, शोल्डर के बराबर में। लोग स्ट्रेट हाथ ऐसे पकड़ते हैं, हल्का सा इसमें आप बैंड करेंगे अपने एल्बो को, ठीक है, हल्का सा एल्बो आपकी बैंड होगी, डंबल आपका सामने, डंबल स्ट्रेट नहीं, डंबल हल्का सा इनवर्ड, ठीक। बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, कोर एंगेज आपका, कोर एम स्क्वीज रखना, एंगेज रखना कोर को अपने। डीप इनहेल, एक्सहेल, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप। ये इस चीज आपको सेम इस साइड से करनी है विदाउट रेस्ट लिए, ठीक है। मैंने देखो वेट पहले बार ज्यादा नहीं लिया, फॉर्म अपने फॉर्म पे अपने पोज रखा, यही चीज आपको करनी है। फॉर्म को अपनी मत बिगाड़ो वेट के दौरान, अपनी ईगो लिफ्टिंग जिम के बाहर, ठीक, छोड़ के आया करो, अपनी जो मेन ईगो है वो जिम के बाद छोड़ के आया करो और जिम में एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आया करो। कौन कितना उठा रहा है आपको मैटर करना चाहिए, आप कितना उठा रहे हो, आप किस अच्छे फॉर्म में कर रहे हो, ठीक है, आपकी टेक्निक सही है नहीं सही है, ये ज़्यादा मैटर करती है बजाय ज़्यादा वेट लिफ्ट करने से। आपको कोई बॉडी बिल्डर बनना है नहीं, ना कोई पावर लिफ्टर बनना है, ठीक है, आपको फिटनेस ऐसी है तो पैन ओड आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चलना पड़ेगा, अपनी फॉर्म में मैटर करना पड़ेगा, वेट स्वादानुसार उठाना पड़ेगा, वेट उसके अकॉर्डिंग ना तो उठाओ, ठीक है। देखो कम्फर्ट जोन तो है आपका, कम्फर्ट जोन को थोड़ा ब्रेक करना है, ये भी नहीं कि बिल्कुल कम्फर्ट जोन में उठा रहे हो अब। सो हमारी हमने कर लिया है लेट पुल डाउन, हमने कर लिया क्लोज ग्रिप पुली, हमने कर लिया वन आर्म डंबल रोइंग, हमने कर लिया बैंड हो बाबल रोइंग। सो अब हमारी है फिफ्थ एक्सरसाइज आपका केबल प्लोवा। केबल प्लोवा में लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं सर केबल प्लोवा हमारे बैक पे आ रहा है, कुछ ऐसे बताओ बैक पे ना आए। दोस्त आपकी टेक्निक बिल्कुल गलत होती है, लोग क्या करते हैं कुछ स्ट्रेट वर्क ऐसे करते हैं, कुछ बिल्कुल ही बैंड हो जाएंगे और इस धपा धपा पार्ट लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको एंगल 45 रखना है, कैसे रखना है ना बताता हूँ। ग्रिप शोल्डर के अकॉर्डिंग थोड़ा पीछे हो जाओ, एंगल 45, बैक स्ट्रेट, आपके ग्लूट्स पीछे की तरफ, कोर एंगेज्ड, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल। सो रैप कितने, वही 10-12 रैप, 15 रैप जो मैंने आपको बताया वैसे चलना है आपको, वेट अपने अकॉर्डिंग उठाते रहना और प्लीज को अच्छे से फॉर्म करो, वरना आपको कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से इस पर नहीं मिल पाएगा अगर आपका फॉर्म गलत हुआ तो। सो माई लास्ट एक्सरसाइज है आपकी कन्वर्शन डेडलिफ्ट, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। पहली बात तो खराब मूवमेंट से करते हैं, उनकी फॉर्म बिल्कुल खराब होती है और वेट भाई साहब 150-200 किलो 220-100 तो कम बात ही मत करो आजकल बच्चों का, ये चल रहा है। तो उससे क्या होता है, बहुतों को शिकायत हो गई आजकल कि उनकी जो बैक अच्छे लोअर बैक जो है अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रही है। तो पहली बात आपकी कन्वर्शन डेडलिफ्ट किस चीज़ के लिए होती है, कन्वर्शन डेडलिफ्ट आपके लिए होती है आपकी इरेक्टर स्पाइन के लिए, ठीक है, ये आपका पावर एक्सरसाइज में इंक्लूड की जाती है वैसे ये,
सो आप इसको लास्ट में कर सकते हो या फिर बच्चे ऐसा स्टार्टिंग में करते हैं। स्टार्टिंग में इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज्यादा वेट अपना उठा सकें। सो मेरा मानना यही है कि आप इसको प्लीज में वेट ज्यादा मत लगाओ, चाहे आपकी फॉर्म अच्छी से अच्छी बढ़िया से बढ़िया क्यों ना हो, ज्यादा मत लगाओ दोस्तों। यकीन मानो आगे चल के आपको 2-3 साल में दिक्कत जरूर 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 आएगी, गारंटीड बोल रहा हूँ आएगी, क्योंकि यहाँ बहुत बच्चों को आ रही है, बहुत सुनने में आ रहा है। जिम मेरे बच्चों को चूंकि मना करता हूँ, लोग बच्चों को मत करो मत करो मत करो, फिर भी लोग करते हैं। इससे क्या हो रहा है, उनका जो है बैक में है पेन स्टार्ट हो रहा है। अब वो शोल्डर भी करते हैं ना, खड़ों के शोल्डर भी करते हैं या खड़ों के डंबल साइड भी करते हैं, तो उनकी लोअर बैक पे आता ही आता है। तो देखो पहली बात तो सही फॉर्म करो आप और वेट रखो लाइट, ठीक है। आपको अपने मसल कॉन्ट्रेक्शन से मतलब होना चाहिए, ना कि वेट कितना हैवी उठा रहे हो उससे। खासकर इसमें तो बिल्कुल वेट हैवी बिल्कुल मत उठाओ, क्योंकि आपका ये फील नहीं है। आपको वेट लिफ्टिंग में नहीं जाना, आपको डेली कॉम्पिटिशन में नहीं जाना, जाना हो तो अलग बात होती है, ठीक है। सो लाइट वेट रैप चार 15-15 बार बार निकाल लो उसके, ठीक है। मतलब फॉर्म अपने अच्छे से निकालना, कॉन्ट्रेक्शन अच्छे से फील करना, वेट बिल्कुल हैवी मत उठाना। आपके लेग्स हैं, शोल्डर के बॉडी खुलेंगे और हल्का सा शोल्डर जो आपका ये है शोल्डर एरिया है, ठीक है, इसके हल्का सा वाइड आपका जो है ग्रिप आएगी। ऐसे मत करना पकड़, ऐसे मत पकड़ना, इसको पकड़ना ऐसे, इसको बोलते हैं डेड ग्रिप, ठीक है। तो वेट लाइट रखो, ये एक्सरसाइज तो अच्छी है। और मगर इसका अगर आपको नहीं करना चाहते तो उसका ऑल्टरनेट है आपका हाइपर एक्सटेंशन, आप वो भी कर सकते हो। बैक फॉर्म में करोगे तो एक्सरसाइज सारी अच्छी होती है, अगर बैक फॉर्म में करोगे तो आपको डंबल्स भी करोगे तो उसमें जरूर 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 आपको इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो करना कैसे है इसको, बैक स्ट्रेट रखो अपनी, ठीक है, बैक स्ट्रेट, जो आपके ये हैं पैर हैं शोल्डर के बॉडी खुलेंगे, शोल्डर हल्का सा बाहर ले जाओ अपने डेड ग्रिप, बैठो एंगल 45। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना ये उठाते हैं, ये जब भी तो लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि वो बैक से उठा रहे हैं। एक्चुअल में आपको जब कन्वर्शन डेडलिफ्ट करो तो शोल्डर से आपको पिक करना है, ना कि आपकी लोअर बैक से। लोअर बैक से करोगे तो आपको दिक्कत जरूर आती है और इसलिए लोगों को आ रही है। तो देखता हूँ मैं वीडियोस में, यूं करते हैं जिम से, यूं करते हैं ऐसे 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 करके उठाते हैं, ये तो फ्री में ठीक कर रहा हूँ, मगर बहुतों की फॉर्म तो भाइया एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो बिल्कुल इसको मत डराओ। बैक स्वे चेस्ट अप एंगल 45, टॉप शोल्डर से इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल स्पाइनी की जो फाइबर्स हैं वो स्लो ट्विस्ट फाइबर होती हैं, वो बहुत 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 जाके देर में रिकवर होती हैं, लेकिन मानो साल सफर लग जाता है अगर आप ज़्यादा हैवी करोगे तो। मगर लोग क्या करते हैं, हर हफ्ते डेडलिफ्ट करते ही करते हैं, बहुत से लोग तो मैंने देखा 30 दिन डेडलिफ्ट करते हैं। तो ठीक है, सेफ साइड हर चीज़ आपको अच्छे से करोगे तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, अगर आप उसको गलत फॉर्म में करोगे तो ज़रूर नुकसान पहुँचाएगी, ठीक है। तो हमारी हो गई 6 एक्सरसाइज बैक की, आप उसको ज़रूर स्केड्यूल में ऐड करो और इसी सीक्वेंस वाइज आप फॉलो करो, तो आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और इससे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाइसेप्स को लेके, बाइसेप्स की पीक लोगों में बहुत दिक्कत आती है, उसको कैसे इंक्रीज करना है, तो तब तक आपको फिर मैं आपको वो बताऊंगा कि आप अच्छे से बाइसेप्स ट्रेन करें। तब तक के लिए टिल देन नमस्ते, टेक केयर, खुदा हाफिज़।